दोस्तों बिहार में नई सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार बनी है और नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम और 1 मंत्री की शपथ ली गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार तो बनी लेकिन विभाग के बंटवारे में भारी तनातनी है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो विभाग को लेकर डिमांड है, उस डिमांड को नीतीश कुमार स्वीकार करने के मूड में नहीं है और कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसे लिया जाए और किन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाए, भाजपा नेतृत्व यह भी करने में अभी तक विफल रहा है। जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ यानी कि 28 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। 28 तारीख से आज 1 फरवरी हो गए। कैबिनेट विस्तार की बात तो छोड़ दीजिए, जिन 8 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है और उनमें भी विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके विश्वास पात्र सूत्रों से मिली जानकारी प्राप्त हुई है, उसके मुताबिक अभी तक भारतीय जनता पार्टी के संभावित कैंडिडेट की लिस्ट शीर्ष नेतृत्व के द्वारा फाइनल नहीं किया गया है, लिहाजा कैबिनेट का विस्तार अभी तक नहीं हो पा रहा। दूसरी जो जानकारी सामने आ रही है वह यह है कि कैबिनेट में जो बड़ा पोर्टफोलियो है उसमें जो बड़े विभाग हैं वह इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिमांड की गई है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि चूंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब है, अराजकता का आलम है, प्रशासनिक अराजकता है, तो ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने वाला विभाग यानी गृह विभाग की डिमांड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। और बता दें कि सिर्फ गृह विभाग ही नहीं बल्कि प्रशासन पर पकड़ बनाए रखने वाला कार्मिक विभाग, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग भी कहा जाता है, उसकी भी डिमांड जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक नीतीश कुमार इसको लेकर तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार से अलग हुई थी तब से सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा, वो तब से ये लोग कहते रहे कि अगर हमारी सरकार बनी तो अपराधी को बिहार छोड़ना पड़ेगा या फिर नेपाल भाग जाना होगा या फिर जमीन के अंदर दफन हो जाना होगा। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के सामने यक्ष प्रश्न है और बीजेपी पर लोग जो सवाल खड़े करेंगे, और अगर राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी तो बीजेपी भी कटघरे में खड़ी होगी। लिहाजा इसी के मद्देनजर बीजेपी का नेतृत्व चाहता है कि बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम भी चाहते हैं कि दोनों विभाग भारतीय जनता पार्टी को मिले, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार क्या इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग वह विभाग है जिसमें अधिकारी के तबादले करने और उसको लेकर विभिन्न तरह की जिम्मेदारियां होती है। इसी विभाग से बिहार प्रशासनिक अधिकारी का तबादला करने, उनकी निगरानी रखने और उनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह सभी विभाग छोड़ेंगे। हालांकि यह खबर यह भी है कि बड़े विभाग नीतीश कुमार छोड़ने के मूड में नहीं है। बीजेपी जो डिमांड कर रही है उसको नीतीश कुमार कतई स्वीकार करने के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार अब तक कई बार मुख्यमंत्री बने लेकिन हर बार जब भी राजद में हो या फिर भाजपा में हो, सामान्य प्रशासन विभाग और निगरानी विभाग और साथ ही गृह विभाग जो कि सबसे बड़ा विभाग है, हर समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास ही रखा है और ये सभी जो है जिम्मेदारी वाला विभाग है। ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डिमांड की जा रही है वो नीतीश कुमार पूरा करेंगे या नहीं, ये देखना होगा। दोस्तों आने वाले वक्त में भाजपा और जदयू में तनातनी और भी बढ़ सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार से संबंधित और भी अपडेट को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।